जुल्फी भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। दरअसल बात ये है कि हमारा सामान चोरी हो गया है जी, मेरा बैग भी, हम लोग परेशान हैं काफ़ी। अगर आप हमें नौकरी दे दें नौकरी दिलवा दें। इनका भी बैग पार्ट चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया है। अरसा आएगा, हमारे पास कोई नौकरी नहीं, काम काज नहीं है, हमें कहीं काम काज पे लगाने, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास कुछ भी, हम भी यहाँ के नहीं है। इनका मेकअप वगैरह, कपड़े वगैरह सब चोरी हो गए, मेरा पर्स वगैरह सब वॉलेट चोरी हो गया। किसी ऐसे से, दुकानदार से, किसी से नहीं अंकल, कोई भी नहीं। सुबह से घूम रहे हैं भूखे प्यास। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों में भी गांव से आए, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, रिहाइश नहीं है। देखें मैं मेरे पास ना, ये मेरी मिसेज हैं, वाइफ, हम लोग बाहर से आए, हमारा सारा सामान वगैरह चोरी हो गया। आंटी थोड़ी बहुत जो भी हेल्प कर रही है वो कर दें प्लीज, हम लोग वहाँ बाहर से आए हैं। हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। आंटी थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, एक मिनट हमारी बात तो सुन लें। अच्छा इधर तो आए, इधर तो आ जाए। अच्छा आप हमें रिहाइश दे दें, हम बेसहारा हैं, कैसे लेके जाऊंगा। जान पहचान तो जब हम साथ रहेंगे तो जान पहचान रहे। आपके जैसे घर वाले रहते हम भी ऐसे रहते, हम ऐसे रहेंगे। आप एक दिन रखे, अगर समझ में नहीं आए आप हमें भगा दिए। भाई आप लेके जा रहे हैं या हम शोर मचाना शुरू कर? कैसे नहीं लेके जा रहे आप? हम आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आप कैसे नहीं लेके जा रहे? अभी मैं शोर करूंगी, ये इन्होंने मुझे छेड़ा और ये 10 लोगों को बुला लेंगे। तो भी हमारा है ही नहीं, कुछ है तो किराए के पैसे को शोर अंकल दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से बोल रही है पिकनिक पे लेके चलो। देखिए नौकरी दिलवा रहे हैं, घर कपड़े धो लेंगी, कुछ भी कर लेंगी, मैं बर्तन धो लूंगा, आप आराम कर लेना। अंकल बड़ी मेहरबानी अंकल। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुन। कल रात हमारा स्टेशन पर हम लोग आए थे, हमारा सारा बॉक्स है ना, सारा मेकअप का, इनके कपड़े वगैरह सारे चले गए, और मेरा मोबाइल वॉलेट सब उसी बक्से में। आप अपने घर में, आप अकेले रहते हैं ना, आप बाहर से जाइएगा, हम अंदर से जाएंगे। बाहर कहाँ सोऊंगा? आप होटल में सो जाइएगा, चबूतरे में सो जाइएगा, ठेले पर सो जाइएगा। कैसे ठेले पर सोइएगा? कैसे मैं क्या आप कैसे भरोसा करूँगा? कैसे मुझे कैसे पता है? मतलब क्या मतलब यार, समझाएं, भरोसा बता रहे हैं। मतलब हम आपको बता रहे हैं, हम वहाँ से हैदराबाद हम लोग आए हुए हैं, मियाँ बीवी हैं हम दोनों। आप शोर कर लेंगे, हमारा एक बंदा हो रहा है वो भी हमें देख रहा है, ठीक है? हम यहाँ पर शोर करेंगे, ठीक है ना? फिर यहाँ पर कुछ होगा, आप या तो हमें वायलेट करते हैं, ठीक है? मैं नहीं दे सकता भाई, आपको कैसे नहीं दे सकते आप? देंगे, मैं लेडीज हूँ, अभी शोर करूंगी। क्या बताऊँ, जब मैंने आपको बोला है कि नौकरी पे लगवा रहे हैं, आपने हमें चोर बोला, आपने हमें क्या बोला कि गारंटी? मुझे क्या पता तुम इज्जतदार या चोर हो, ठीक है? हमारे माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना? आप निकालें जो कुछ है, आप शराफत से निकाल दें, वरना मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। अच्छे तरह इधर आए। सिर्फ आपसे इतना बोला है इनके दो वक्त के लिए, सिर्फ आप मेकअप के लिए नहीं बोल रहे। अरे यार मैं क्या करूं, मेरे पास है। अच्छा 25 रुपए दे दें, चले इधर। चलो खुला करो, खुला है तो छोड़ो ना, बात थोड़ी रहे यार। जाऊंगा क्लिफ्टन, जाना मुझे यार, ये बात नहीं है। चलो ये आ गए, आपने इनके लिए दिए, इनके लिए दिए। चलो इधर आइए। अच्छा इधर तो आइए, ये ले। हमारा एक बंदा पीछे खड़ा है, आपको नोट कर रहा है, ठीक है? मेरी बात सुन ले। हाँ उसको, वो आपको नोट कर रहा है, शोर मचा देगा। आप इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, यहाँ पर सब जमा हो जाएंगे, यहाँ पर सब जमा हो जाएंगे, आपने छेड़ा इनको, ठीक है? इससे पहले अगर कुछ हो, नहीं मेरी बात सुनो, इससे हाथ नीचे की बात नहीं, छेड़ा है ना इनको, हाथ नीचे करके बात करो। आपने छेड़ा है मुझे, मैं शोर मचा सकती हूं। मांगे ना आपने, नहीं देना आप छीन ले, वो सही है ना? आप क्या आप ही बोल देना जरा, नौकरी करवाए आप निकाले बाहर, मैं चाप निकाल ले, मैं भी बाहर। मैं तुम्हें भाभी यहाँ पर बात गलत हो जाएगी, मैं तुम्हें ये हमने रिकॉर्डिंग की है, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, और ये वापसी नहीं, ठीक है? सिर्फ आपसे मजाक कर रही है यहाँ पर खड़ी हुई, सिर्फ मजाक कर रही है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो देखो वो कैमरा लगा हुआ है।